नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको गुड़हल के प्लांट में लगने वाले मिली बग के बारे में बताऊंगी और उन्हीं का क्या इलाज है, क्योंकि ये एक बार लग जाते हैं तो पूरे प्लांट में फैल जाते हैं और देखते ही देखते हमारा पूरा प्लांट इफेक्टेड हो जाता है, गुड़हल का पौधा खास करके। और इस समय इनका लगने का टाइम है, फरवरी से ही ये लगना शुरू हो जाते हैं। पूरे विंटर भर तो बिल्कुल नहीं लगते हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी में थोड़ी थोड़ी धूप होने लगती है तो पूरी गर्मियाँ गुड़हल के प्लांट में हम इससे परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये मेरे प्लांट्स में लगे हुए हैं। हालांकि ये अभी जो आप प्लांट देख रहे हैं ये तो पूरी तरह से सुरक्षित है फ्रेंड। इसमें देखिए बहुत सारे फूल आते हैं, देखिए ये सब फूल इसी के हैं। और लेकिन इसके अलावा जो प्लांट मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ उसमें कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। ये एक प्लांट है फ्रेंड गुड़हल का ही, और इसमें मिर्ची जैसे फूल आते हैं, और ये नीचे ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है। और आप देखिए इसमें कितने ज़्यादा ये मिली बग लगे हुए हैं, और ये जो वाइट वाइट लगे रहते हैं इनमें बहुत ज़्यादा चलने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन आपके प्लांट में चींटियाँ होती हैं यही इन्हें इधर उधर करके ले जाती हैं। और इन नहीं तो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है, मतलब ये ज़्यादा इधर से उधर टहल नहीं सकते हैं, जो इनकी जो चलने की क्षमता है। लेकिन आप देख पाएंगे कि ये एक बार लग जाए तो पूरे प्लांट में ये फैलने लगता है। तो होता क्या है कि चींटियाँ इन्हें ले ले करके इधर उधर करती हैं और इसी से ये पूरे प्लांट में फैलता है। तो इससे दोनों का ही लाभ होता है। चींटियाँ इनके ऊपर जो ये वाइट वाइट आपको दिख रहे हैं सेल, यही खाती रहती हैं और इनको इधर से उधर ले जाती रहती हैं और इसी से ये बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर इस तरह से आपके यहाँ भी प्लांट में लग गए हों और आपका बड़ा प्लांट हो, जैसे कि अभी ये दिख पा रहा है, ये बहुत बड़ा प्लांट हो, तो आप इस तरह की डंडियों को काट के ही फेंक दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि इसकी पत्तियाँ वगैरह सब इफेक्टेड हो गई हैं और ये धीरे धीरे करके ये पूरे प्लांट में आप देख पा रहे होंगे कि पूरी पीली पत्तियों से भर गया है, कितना ज़्यादा इफेक्टेड है। और ये धीरे धीरे करके पूरे गार्डन में फैलने लगते हैं। आप देखिए ये वाला जो प्लांट है इसके भी बड़े ही सुंदर फूल आते हैं, और ये देखिए कैसे ये इस पर भी अब आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहला काम तो अगर हो पाए, बड़ा प्लांट है तो आप उसकी डंडियों को ही काट करके फेंक दीजिए, और अगर नहीं संभव है उनकी डंडियाँ काटने का तो आप इसको सबसे पहले तो पानी के स्प्रे से पूरे प्लांट को धुल दीजिए, ताकि वो जितने भी मिली बग लगे हुए हैं वो सारे गिर जाएं। तो ये काम आप सुबह सुबह ही करिए, ताकि दोपहर तक पूरा प्लांट आपका एकदम अच्छे से सूख जाए, और जब आप इस पर कोई भी दवा का छिड़काव करेंगे तो ये पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगे। तो हालांकि मैंने किया है, लेकिन आप डेली डेली करिए, और मैं भी डेली कर रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा मेरे यहाँ लग गए हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये खास करके मैंने देखा है कि ये जो देसी वाले होते हैं गुड़हल, उसमें ही ये ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मेरा ये वाला जो प्लांट अभी आप देख पा रहे हैं ये देसी वाला ही है। और इसके अलावा ये वाला जो प्लांट है ये देखिए ये देसी नहीं है, ये हाइब्रिड इसके फूल हैं और बड़े बड़े ऑरेंज कलर के फूल इसमें आते हैं। और ये देखिए कली लगी हुई है, ये भी कितनी बड़ी है, और पूरे बड़े फूल आते हैं। लेकिन ये है कि आप देख पाएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, वो तो ये बगल का प्लांट है इसलिए इसमें से आ गए हैं, वरना इसमें बहुत ही अच्छे फूल भी आते हैं। और हाइब्रिड जो भी गुड़हल की वेराइटियाँ हैं उसमें कम मिली बग लगते हैं, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरे यहाँ दोनों वेराइटियाँ लगी हुई हैं और हाइब्रिड की कम से कम 7-8 वेराइटियाँ मेरे यहाँ हैं। उसमें ये मिली बग का अटैक बहुत कम होता है और वो जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन ये जो देसी वेराइटी है इसमें बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी तो इतना इरिटेशन होता है कि इन्हें कट ही कर दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिली बग की समस्या मेरे यहाँ इस वाले प्लांट में, ये देसी वाले प्लांट में आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए दो तरह की मैंने दवाइयाँ रख रखी हैं। देखिए ये एक नीम ऑयल है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ चूंकि बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो ये नीम ऑयल से कंट्रोल नहीं होंगे, और ये थोड़ा मेरा पुराना भी हो गया है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप नीम ऑयल डालते हैं, इसे 1 लीटर जैसे ये पानी ले लिया है हमने, और इसमें इसकी 20 से 25 बूंदें हम डालेंगे, और 1 चम्मच सोप कोई भी डालेंगे, लिक्विड सोप जो आपके यहाँ हो उसे डालेंगे और इसी का स्प्रे करेंगे, तो इससे भी वो मिली बग चले जाते हैं अगर कम मात्रा में लगे हुए हैं। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा चूंकि लग गए हैं इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस पर केमिकल किसी इंसेक्टिसाइड का ही इस्तेमाल करूँगी। तो उसके लिए देखिए ये कॉर्नफीडर मैंने मंगाया हुआ था,
गुलाब के पौधे के लिए मंगाया हुआ है और इसी का मैं उपयोग करूंगी। ये हर तरह के जो भी इंसेक्ट्स लगते हैं, जो भी पेस्ट अटैक होते हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसमें इमीडा क्लोपरेट है, वो जो भी वायरस इस तरह के फैलते हैं हमारे प्लांट्स में, खास करके ये मिली बग पे बहुत अच्छा काम करेगा, और इसके अलावा ये थ्रिप्स और माइट्स पे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसे ही मैं डालूंगी और इसकी कम से कम 3-4 बूंदे तो हम लेंगे ही, और उसके बाद से हम पूरे प्लांट पे स्प्रे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसमें 1 लीटर ये पानी ले लिया हुआ है, और इसकी जो है 5-6 बूंदे मैक्सिमम आप डालें, इससे ज़्यादा ना डालें, और पहले प्लांट पे ट्राई करें, देखें कि वो कैसा काम कर रहा है। नहीं तो ज़्यादा हम डाल देंगे तो क्या होगा कि प्लांट को जलने का खतरा रहता है। तो कभी भी किसी भी केमिकल का आप जब इस्तेमाल करें तो आप उसे पहले कम मात्रा में डाल करके देखें कि वो कैसा काम कर रहा है, उसके बाद ही आप इसमें ज़्यादा डालें, और उसके हिसाब से ही अपना कम मात्रा कम और अधिक करें। तो ये मैंने 5 बूंदें डाल दी हैं, और आप देखेंगे कि इसमें से वाइट वाइट सा निकलता है और वो पानी को सफ़ेद करेगा। फ्रेंड्स, ये हमारा वाइट सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब इसका हम अपने पौधे पर छिड़काव करेंगे खूब अच्छे से। फ्रेंड्स, इसको हम पूरा भिगा देंगे ताकि इसका जो वाइट वाइट सा लगा हुआ है इसमें, वो सब धीरे धीरे करके छूट जाए, क्योंकि यही इसका प्रोटेक्शन होता है मिली बग का। वाइट कलर के जो लगे रहते हैं उसी से इसका बचाव होता रहता है, और वो जब हट जाता है, वो एक प्रोटीन का की परत होती है, और जब वो हटता है तो मिली बग अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमें अपने पूरे प्लांट पर छिड़काव कर देना है। ये काम आपको हर एक दिन छोड़ करके करना है फ्रेंड। और ये देखिए, इतनी तेज़ गर्मियाँ हैं कि ये पूरे फूल सूख रहे हैं धीरे धीरे करके, और ये देखिए कितना अच्छा सा गुड़हल खिला हुआ है। तो आप इसी तरह से हर दूसरे दिन इसी तरह कॉर्नफीडर का आप इस्तेमाल करें, और देख पाएंगे कि धीरे धीरे करके आपके यहाँ मिली बग सब खत्म हो गए हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।